महाराणा भोपाल चिकित्सालय संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, राज्य सरकार की ओर से यहां इलाज निशुल्क है। सबसे अनुभवी चिकित्सक यहां लगे हुए हैं और एक दिन में यहां सैकड़ों मरीज भर्ती होते हैं और सैकड़ों ही डिस्चार्ज। यह व्यवस्था पूरी तरह सरकारी होती है, मतलब इनकी निशुल्क सेवा का जिम्मा सरकार का है। संभाग के अलावा यहां पर पड़ोसी राज्यों से भी मरीज दर्द खत्म करने के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है, जब हजारों मरीज इतने बड़े अस्पताल में भर्ती होंगे तो उनके तीमारदारों की संख्या भी हजारों में ही होगी। इस अस्पताल के कर्ता धर्ताओं की जिम्मेदारी सभी को आराम देना है, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहां की व्यवस्था ने सभी को परेशान करके रख दिया है। अस्पताल में प्रवेश करने का भी शुल्क वसूल किया जा रहा है, वह भी डिजिटल व्यवस्था से। हालांकि इस व्यवस्था को पार्किंग का नाम दिया गया है, जो किसी के भी गले नहीं उतरती, क्योंकि यह पार्किंग शुल्क देने के बाद भी वाहन की जिम्मेदारी मालिक की ही है। सोचिए, जिस अस्पताल में मरीज का इलाज 5 रुपए की पर्ची से हो जाता है और दवाएं निशुल्क मिलती है, उस अस्पताल में 2 पहिया वाहन का 10 और 4 पहिया वाहन का 20 रुपए प्रवेश शुल्क हो तो क्या होगा? जनता से लूट का सबसे बड़ा उदाहरण इन दिनों लेक्स सिटी के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में देखा जा रहा है। इसका विरोध तो सब करना चाहते हैं और गुस्सा भी सबके जहन में भरा है, लेकिन सरकार कांग्रेस की है, इसलिए प्रदर्शन का जिम्मा भाजपा के खाते में आया है। भाजयुमो के कार्यकर्ता अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में सोमवार को भी विरोध में उतरे थे और मंगलवार को भी पुरजोर विरोध किया। सभी ने पार्किंग संचालक को मौके पर बुलाया और उसे तुरंत इस व्यवस्था को बंद करने की चेतावनी दी। ये डिजिटल पार्किंग यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। ये कुल मिला के कमाई का साधन है और वो कमाई का साधन क्या नहीं हो तो आप हमने रक्तदाता का आपने रक्तदाता को फ्री कर दिया, अच्छी बात है। वो सेवा का कार्य करने जा रहा है, ठीक है, आपने सेवा से वालों को 99.99% वो बेचारा वो झूठ लेके आ रहा है, कोई नहीं कह रहा उसके आप 20 रुपए लोगे। ये पूरा टोटल कमाई का साधन है, टोटल कमाई का साधन। डिजिटल पार्किंग क्या है पब्लिक को समझाओ। अंदर घुसने से आपको 10 रुपया तो मिनिमम देना ही है 2 व्हीलर वाले को, और 4 व्हीलर वाले को 20 रुपया देना है। इस बात को समझने की कोशिश करो। ये 18 से 20 लाख रुपए की महीने की कमाई का धन है, जिसमें यहाँ के एक अधिकारी और एक नेता, ठीक है, उनकी सामूहिक कमाई का है। 3 से 4 लाख रुपए अधिकारी को पहुंचेगा महीने का और 2 से 3 लाख रुपए नेता को पहुंचेगा। स्पष्ट जानकारी नहीं, थोड़ा सा प्रूफ आना है, बाकी उसके बाद लागू नहीं होंगे। गाड़ी पार्क कीजिए, 100% चार्ज दूंगा, चाहे मैं होगा या कोई भी होगा, 100% चार्ज पार्किंग में देंगे। और गाड़ी चोरी होती है, गाड़ी चोरी की जिम्मेदारी किसकी है? पार्किंग ठेकेदार की। आप कैसा ले, 5 रुपए के 10 रुपए ले रहे हो, 10 रुपए ये जन का मुद्दा है, ये गजेंद्र भंडारी का, ये कार्यकर्ताओं का मुद्दा नहीं। ₹10 का 4 व्हीलर का ₹20 के हिसाब से कितना हुआ ₹30,000 और ₹1,000 2 व्हीलर का ₹20 के हिसाब से कितना हुआ ₹20,000 यानी ₹50,000 महीने के कितना हुए 15 लाख रुपए, 3 लाख 11 हजार रुपए का आपका ठेका और 3 लाख रुपए आपका स्टाफ का खर्चा, 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए आप यहाँ कमाने के लिए आए हो क्या? चालू हुआ है कि ये चीज यहाँ पर लागू ही नहीं होनी चाहिए। आपने 2 तर्क दिए, गाड़ी चोरी होती है उसके लिए पार्किंग ठेकेदार की जिम्मेदारी है, पार्किंग ठेकेदार अपनी गाड़ी चोरी की सबसे बड़े जिम्मेदार हुआ, वो 10 रुपए 20 रुपए ले रहा है चार्ज, तो उसकी जिम्मेदारी गाड़ी चोरी। दूसरा तर्क आते रहो, यहाँ से लोग बाग हाथीपुर निकलते हैं, आज से महाराणा भोपाल के टाइम से जो हॉस्पिटल बना ना,
सब से चारों तरफ से रस्ते प्रशासन इन्होंने बात करी, उन्होंने कहा हम यही बंद करना चाहिए, लोग होके निकलते हैं क्या ये क्या 10% लोगों के चक्कर में 10% लोगों के चक्कर में 90% लोगों की आप 12 बजे पूछा, थोड़ा समझदारी से काम लो, आप आपका व्यापार कर लो, आप आपकी जगह सही हो। सर निर्णय हमने नहीं लिया है, उन्होंने लिया है, आप उनको दे दो, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो हमको ये काम भी करने दे रहे, बस उनको मिलना होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। वाकई यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, ना ही इसमें कोई राजनीति होनी चाहिए। नीतिगत भी सोचा जाए तो पीड़ा से परेशान लोग ही यहां आ रहे हैं, और जब सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से निशुल्क है तो अस्पताल में प्रवेश का शुल्क क्यों? हमारा यह सवाल सिस्टम, सरकार और इस खबर को देख रहे तमाम दर्शकों से भी है। क्या आपको लगता है एमबी हॉस्पिटल में एंट्री फीस होनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाजुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी ने जिस तरह से पार्किंग संचालक से बात की और कमाई के साथ बचत की जो कैलकुलेशन बताई, उससे तो साफ है कि यह व्यवस्था सिर्फ जनता को लूट कर चिन्हित संदिग्धों के घर भरने की है। बाजुमो के भारी विरोध प्रदर्शन के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, जिला महामंत्री किरण जैन, पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत भी मौके पर पहुंच गए और अस्पताल अधीक्षक से चली लंबी वार्ता के दौरान ज्ञापन देकर अपनी बात रखी। सभी का कहना था कि अस्पताल में प्रवेश का शुल्क नहीं लगना चाहिए, पार्किंग शुल्क तो वैसे भी सभी देते ही हैं, अस्पताल में कोई मौज मजे तो करने नहीं जा रहा है, अपने या अपनों के दर्द को दूर करने के लिए ही जा रहा है। ऐसे में भाजपा नेताओं ने अस्पताल के जिम्मेदारों द्वारा दी गई इस व्यवस्था को ठेकेदार की धांधली मात्र ही बताया है। साथ में यह भी कहा कि अगर जल्द ही इस व्यवस्था को नहीं दूर किया गया तो भाजपा पीछे नहीं हटेगी और उग्र आंदोलन करेगी। अभी आपने वास्तव में बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, हमने यही बात कही, क्योंकि एक तरफ तो आपके कह रहे हो कि इसमें किसी प्रकार का किसी का वाहन है खो जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, और जब वो पर्ची दे रहा है उसके अंदर वगैरह है पार्किंग आपके रिस्क पे पर है, मैं कि ये दोहरी बात कैसे आ रही है। अभी मैंने सुमन साहब से यही बात की, हम सभी लोगों ने, तो उनका नहीं नहीं हम बैठ के इसको देखेंगे इसको करेंगे। अभी ईमानदारी बात है, ये इनके ऊपर केवल इन्होंने बहुत शीघ्रता से इसको लागू कर दिया है, एक बार फिर इनको बैठ के विचार करना चाहिए। जो जो जनता के सुझाव आ रहे हैं, युवा मोर्चा वाले लोगों ने भी हमारे, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा, पार्टी वाले युधिष्ठिर भाई साहब का, हमारे महामंत्री जी का, हमने सबने विचार कराकर कि जनता के हित के अंदर किस प्रकार से हम इस प्रकार का निर्णय करें ताकि आम व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करें। यहाँ पर जो उपचार के लोग आते हैं उनको भी इस प्रकार का आर्थिक बोझ उनको सहन न करना पड़े। तो ये जो ऑन रिस्क वाली बात है, एक बार पुनः एक चर्चा और होगी, उसके अंदर भी हमने लिखित में सब दे दिया, हमने कल भी आपने देखा होगा इन दोनों ने, इन्होंने भी अपना एक वक्तव्य दिया है, तो इनकी कथनी करने में एक दूसरी बात और आई थी कि हम नेताओं के जो जितने भी हैं उनके हम फ्री कर देंगे। मैं क्यों यहाँ पे सब नेता है, छोटा मोटा कोई भी आ गया वो क्या वो, तो आपको हमें झगड़ा उनसे करना पड़ेगा। ये जो आप मापदंड है कुछ सोच समझ कर, केवल ठंडी गोलियाँ मत दो, मीठी गोली मत दो, आप कठोर बात करो और आम लोगों का हित हो वो बात करो। इसके अंदर मेरा, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि इसके अंदर ठेकेदार की धांधली और ठेकेदार को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। नई पार्किंग व्यवस्था सार्वजनिक चिकित्सालय में लागू हुई है, प्रशासनिक दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन जनता से इसको परेशानी है। अगर कोई इमरजेंसी है और अगर ये स्लिप सिस्टम करेंगे तो गेट पे लाइन लगेगी, तो उससे कोई कैजुअलिटी होने की संभावना है, जो रोगी समय पर डॉक्टर पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने भी आग्रह किया है यहाँ के प्रशासन से, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी शिमाली और हम सब ने आग्रह किया है, इस बात पर विचार किया जा रहा है। ये जो जनता को छूट, 20 मिनट तक कोई भी व्हीकल यहाँ पर हॉस्पिटल परिसर में रह सकेगा, उसके बाद चार्जेबल होगा। उसके अलावा जो अनवांटेड पार्किंग होगी उसके लिए ठेकेदार अपने आप वो अपनी व्यवस्था करेगा, जिससे जनता को कोई असुविधा ना हो। वैसे भी ट्रैफिक की दृष्टि से यहाँ पर कभी कोई अव्यवस्था नहीं है, पुराना जो ठेका था, लेकिन क्योंकि डिजिटल ज़माना रहा है, हर चीज़ डिजिटल की जा रही है,
उसके लिए प्रशासन ने प्रयास किया है और हमारे जिलाध्यक्ष जी का तो विशेष आग्रह रहा है कि जनता की किसी भी तरह की परेशानी हम स्वीकार नहीं करेंगे। माननीय जिला अध्यक्ष जी भी साथ हैं तो मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि दो बात पे। आपने फिरोज शाह तुगलक का नाम तो सुना ही होगा और उनका इतिहास भी पढ़ा ही होगा। मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक, जिसने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर थी। इसलिए कहावत में भी किसी के इस तरह के अनैतिक फरमान को तुगलकी फरमान नाम दिया गया है और इस फरमान का पुरजोर विरोध भी होना चाहिए। व्यवस्था सुधरनी चाहिए लेकिन ऐसे नहीं। वैसे भी हारी बेचारी जनता सरकारी अस्पतालों में आती है, अगर अच्छा पैसा होता तो निजी चिकित्सालयों का ही रुख करती। तो सरकार और सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि इस व्यवस्था को तुरंत हटाकर प्रवेश पहले की तरह ही बहाल करें और पार्किंग अच्छी करके शुल्क वसूले। और हां, इसमें भी पार्किंग इज ऑन योर रिस्क ना हो। पार्किंग का मतलब वाहन की पूरी जिम्मेदारी पार्किंग संचालक की हो। हालांकि भाजपा और युवा मोर्चा ने जिस तरह से संगीन आरोप डिजिटल पार्किंग व्यवस्था पर लगाए हैं वह सोचने लायक है। कमीशन खोरी और भ्रष्ट तंत्र के चलते उदयपुर की भोली भाली जनता को इसलिए लूटना कहां तक उचित है। इसीलिए एमबी अस्पताल में निशुल्क प्रवेश की इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगर अब की बार चुप रह गए तो जल्द ही महाराणा भोपाल चिकित्सालय भी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ही लगने लग जाएगा और फिर शुल्क देने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। जय हिंद, जय मेवाड़।